गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग स्टार्ट किया है शाम के 5 बजे से और मैं यहाँ पे ठीक कर रही हूँ पीहू के डैडी की रैक, जहाँ पे कपड़े होते हैं, मतलब कि आप समझ लीजिए सेक्शन जो होता है, मतलब अलग अलग सेक्शन सबके डिवाइड ही होते हैं। तो यहाँ मेरे हस्बैंड का जो सेक्शन है कपड़ों का, वो मैं यहाँ पर अरेंज कर रही हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से, हफ्ते 10 दिन से मैं देख रही हूँ सारे टी शर्ट, लोअर, अंडर गारमेंट सब कुछ उथल फुथल सा हो गया है। तो वही मैंने सोचा चलो आज बैठ करके सबसे पहले एक एक काम कर देती हूँ, क्योंकि आज नीचे भी नहीं जाना है ये सब वायरस की वजह से। तो मैंने सोचा चलो इस टाइम को यूटिलाइज़ कर लेते हैं। तो यहाँ जितने भी वो थे सॉक्स थे, वो सब मैंने एक साथ पैक करके एक पैकेट में रख दिए हैं, क्योंकि अभी वो यूज़ नहीं हो रहा है और इस समय मेरा फेस बिल्कुल बेयर है। मैंने कुछ भी अपने फेस पे अप्लाई नहीं किया है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा। तो चलिए ये सब अरेंज कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे सारे कपड़े अरेंज कर रही हूँ। और हाँ, मुझे अभी वीडियो एडिट करते वक्त एक कमेंट याद आ गया कि मुझे किसी का कमेंट आया था कि आपकी शादी के बारे में बताइए, मतलब अपने रिलेशन के बारे में बताइए। तो जो भी थे, मैं उनका नाम तो मुझे इस समय नहीं याद है, तो मैं उनको बता दूँ कि मेरी शादी बिल्कुल अच्छी है, ठीक है, और शादी मेरी 9 साल पहले हो गई थी और सब कुछ अच्छा चल रहा है और ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आपको इसमें बताऊँ। और हाँ, मैंने इसमें अपनी शादी का एक जो वीडियो है वो प्रॉपर बनाया है कि कैसे हम लोग की शादी हुई, कैसे हम लोग मिले। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको ज़रूर चेकआउट करिएगा। तो अभी मैं आ गई हूँ यहाँ किचन में और बना रही हूँ बटर पनीर मसाला। तो यहाँ पे मैंने वही प्याज, लहसुन, टमाटर, तेज़पत्ता, इलायची और काली मिर्च सब कुछ इसको थोड़ा सा ऑयल डाल करके फ्राई कर लिया है। पहले मैंने इसकी पूरी रेसिपी अपने चैनल पे डाली है एक व्लॉग में, तो आप ज़रूर उसको चेकआउट करिएगा। इसलिए पूरा अच्छे से वीडियो नहीं बना रही हूँ कि कैसे बनाया जाता है, क्या रेसिपी है, पहले डाल चुकी हूँ इसीलिए। तो हाँ, मैं आपको बता रही थी मेरी शादी की सच्चाई जो मेरे को कॉमेंट आया था। तो बस और क्या बताऊँ मैं आपको, मेरी पूरा इसका वीडियो प्रॉपर बनाया है, आप उसको ज़रूर चेकआउट करिएगा। और अब मई में मेरी शादी के 9 साल हो जाएंगे, बाकी तो मैंने इस पर पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, तो आप उसको ज़रूर चेकआउट करिएगा, आपको वो अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, मैं सब्जी की तैयारी कर रही हूँ और उसके पहले मैंने यहाँ पे आटा, मैं सोच रही हूँ लगा के, मतलब गूंथ के रख देती हूँ। तो मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ नाचनी, बाजरी और सादे आटे को मिक्स करके रोटियाँ। तो आज देखिए कुछ नए तरीके से बना रही हूँ, तो मैंने इसमें मिक्स किया है। तो चलिए पहले इसको शेक कर लेते हैं, जिससे कि सारे जो आटे हैं ना वो मिक्स हो जाएं। और ये जो रोटी है ये फर्स्ट टाइम ऐसे बना रही हूँ, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक आंटी जी है मेरी बिल्डिंग में, सोसाइटी में, तो उन्होंने मुझे ये खिलाया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसको ना थाली पीट बोलते हैं, इस आटे को रोटी जैसे बनती है, बहुत अच्छे से तो नहीं आती है मुझे, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ शायद वैसी कुछ बन जाए, जैसे मक्के के आटे को करते हैं ना, शायद उसी तरह कुछ बनता है ये, और उसी तरह बेली, मतलब रोटी बेली जाती है। तो ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या बनता है आज।
अगर नहीं बनेगा तो फिर पराठे स्टाइल में बनाऊंगी, पर कोशिश कर रही हूँ कि बन जाए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा है, मैंने यहाँ पे आटा लिया है, उसमें नाचनी का है, ज्वारी का है, थोड़ा बेसन है, और इसमें मैंने गेहूं का थोड़ा आटा डाला है, नमक, मिर्च, थोड़ा सा हल्दी और अजवाइन थोड़ी सी, और प्याज को चॉप करके डाला है। फिर पानी से उसे हमें अच्छे से गूँथ लेना है, मतलब कि आटे को सान लेना है और सेट करके रख देना है सेट होने के लिए। काउंटर टॉप पे के ऊपर, मतलब जो ये गैस का क्या बोलते हैं स्लैब जो होता है ना काउंटर टॉप, उसके ऊपर बैठ गई हूँ। थक गई थी तो मैं बैठ गई और पानी पिया मैंने अभी एक ग्लास घड़े का ठंडा पानी। और अभी मेरी सब्जी बन चुकी है, मैंने उसके ऊपर कसूरी मेथी भी डाल दिया है। तो उस कसूरी मेथी डालने से सब्जी बहुत अच्छी फ्लेवर, मतलब बहुत अच्छा इन्हेंस हो जाता है, उसके सारे जो टेस्ट होते हैं। तो आप लोग सब्जी में कसूरी मेथी ज़रूर थोड़ा सा डाला करिए, उससे बहुत अच्छा लगता है। और अभी मैंने आटा भी लगा दिया है, थोड़ी सी दाल है सुबह की, उसको भी मैं फ्राई कर दूँगी, तो वो हो जाएगा चटनी है। और चटनी मैंने कल बनाई थी, पता है उसकी क्या बोलते हैं, अमिया होती है ना कच्चे आम की चटनी, तो बहुत अच्छी सी चटनी है ये देखिए। इस पर मैंने थोड़ा सा पुदीना डाला, थोड़ा सा ग्रीन वाली हरी मिर्च, ग्रीन धनिया मतलब कोरिएंडर डाल करके बहुत ही रिफ्रेशिंग इसकी स्मेल आ रही है। तो जब सीज़न होता है ना तो सीज़न के हिसाब से खाने में अच्छा लगता है। और आज पूरा मुंबई, मतलब सुबह दिन में पूरा मुंबई बंद था, मतलब ऐसा सन्नाटा लग रहा था जैसे कर्फ्यू लग गया हुआ हमारे शहर में, बहुत सन्नाटा और बहुत ज़्यादा दिल में मतलब डर सा लग रहा है कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या स्टेप होगा, क्योंकि अभी स्टेज टू जो है वो मतलब क्रॉस हो चुकी है, अब स्टेज थ्री आने वाली है। तो भगवान अब जल्दी से ये सब ख़त्म कर दें और सब कुछ ठीक हो जाए, बस यही प्रे है गॉड से जल्दी ये सब ख़त्म हो जाए, जो वैक्सीन बन रही है वो कारगर हो जाए। और वैसे तो देखा है न्यूज़ में कि राजस्थान में 3 जो पेशेंट हैं कोरोना वायरस के वो सेफ हुए हैं, मतलब वो बचे हैं दवाई के चलते, जो उन्होंने दवाई दी है डॉक्टर्स ने उनको। हाथों में मेरे दर्द हो गया इसलिए मैंने फ़ोन नीचे कर लिया। तो बस अभी पीहू और पीहू के डैडी गए हैं नीचे, थोड़ा सा पीहू बोर हो रही थी बहुत टाइम, मतलब आज वो कहीं बाहर नहीं निकली, मैं उसको लेकर के नीचे गई नहीं, मुझे भी डर लग रहा था बच्चे के लिए। तो अभी उसको बस थोड़ी देर 5-10 मिनट नीचे ग्राउंड पे ऐसे ही अपने सोसाइटी के अंदर ही थोड़ा खेलेंगे बॉल से, डैडी लेके गए हैं पीहू के। जब वो आ जाते हैं तो फिर हम लोग अपना डिनर करेंगे। जब डिनर हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आज रोटियां कैसी बनी थी, मतलब बना पाई कि नहीं मैं, क्योंकि मैं आज फर्स्ट टाइम ही बना रही हूं, तो मैं ज़रूर आपके साथ ये बात शेयर करूंगी। चलिए अभी डिनर विनर कर लेती हूं, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूं। रूम में जाओ, गो गो गो, वॉश योर हैंड, वेरी गुड। इधर बहुत टाइम लग गया आपको, मैं फोन कर रही हूँ, कहाँ हैं, फोन भी नहीं उठा रहे हैं। हमारा संकल्प और संयम को कम करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है, और इसलिए अगर आपको लगता है कि आप ठीक है, मैं देश की सभी राज्य सरकारों से कामना करूंगा कि वो
तो अब मैं यहाँ रोटियाँ बनाने जा रही हूँ। ये देखिए मैंने थोड़ी सी लोई ली है, जैसे कि रोटी नॉर्मल रोटी का लेती हूँ वैसा ही, बट ये बहुत अच्छे से बेलती नहीं है, मतलब बेल नहीं पाती हूँ मैं बहुत अच्छे से, क्योंकि ये बहुत आटा बहुत ना लो क्या बोलेंगे बहुत अजीब सा हो जाता है इसलिए। तो देखिए मैं छोटी छोटी रोटियाँ बना लूँगी, पहले तो मैं एक रोटी बनाऊँगी, उसके बाद मैं पीहू के लिए उसमें देसी घी का पराठा टाइप का बना दूँगी, तो वो और अच्छा लगा था। मैंने अपने लिए भी एक बनाया था, तो देखिए मैं बना रही थी बट उठाने में वो फट गया। तो चलिए अब बना लेती हूँ अपनी रोटियाँ। कैसा बना है खाना? मेरा आग्रह है कि इसे भी आगे बढ़वा दें। खाना कैसा है? रोटी कैसी है? बहुत अच्छी साथियों, बहुत ही अच्छी। खाली पेट मैंने ट्राई करी है, बहुत अच्छी है। हमेशा याद रखिएगा, थैंक यू। उन्हें भी अपना परिवार चलाना है, अपने परिवार देशवासियों। मैं बना के आती हूँ 2 मिनट्स में, आप खाओ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक प्रोडक्ट शेयर करना चाहती हूँ जो कि बहुत ही डिफरेंट है और अभी तक शायद आपने ना सुना हो उस प्रोडक्ट के बारे में। तो मुझे लगा कि मुझे आपको इस प्रोडक्ट के बारे में ज़रूर बताना चाहिए, जो कि है सनस्क्रीन। पर आप सोच रहे होंगे सनस्क्रीन कौन सा डिफरेंट प्रोडक्ट है, वो तो नॉर्मल ही है और सभी लोग जानते हैं, लेकिन जिस सनस्क्रीन के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो है लिक्विड वाटर वाला फॉर्म, मतलब कि वो स्प्रे फॉर्म में है। और आप अगर तैयार हो चुके हैं, मोस्टली ऐसा होता है जब हम बाहर जा रहे हैं धूप में गर्मी में तो आप भूल भी जाते हैं सनस्क्रीन लगाना, लेकिन ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आपने मेकअप भी कर लिया है तो उसके बाद भी आप स्प्रे कर सकते हैं अपने मेकअप के ऊपर भी। तो इसी के बारे में बात करने वाली हूँ, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के बारे में। तो फ्रेंड्स मैं आपको सबसे पहले इस प्रोडक्ट के पैकेजिंग की बात कर दिखा देती हूँ, मतलब बात कर लेते हैं पैकेजिंग की। तो ये देखिए, ये है कार्डबोर्ड की पैकेजिंग, नॉर्मल पैकेजिंग है, बट जो इसके अंदर का प्रोडक्ट है ना वो देख कर आप भी बहुत खुश हो जाएंगे और बहुत ही एक्साइटेड होंगे इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए, जैसे कि मैं हुई थी। तो ये है वो प्रोडक्ट जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये है तो आपने देखिए आउटर पैकेजिंग तो देख ली है, ओके। अब हम अपने एक्चुअल प्रोडक्ट की बात करते हैं, इनर पैकेजिंग कैसी है। ये है वो प्रोडक्ट जो कि स्प्रे फॉर्म में है, जैसे कि आपका परफ्यूम होता है, मिस्ट होता है या फिर आपका टोनर होता है, वैसे ही इसकी पैकेजिंग है। मतलब कि ये देखिए ऐसा है ये, जिसमें कि स्प्रे लगा हुआ है पंप। तो अब हम बात करते हैं इस प्रोडक्ट की खासियत की। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है वाओ स्किन साइंस का वाटर ट्रांसपेरेंट सनस्क्रीन स्प्रे, ठीक है। और इसमें है SPF 30 जो कि ऑल स्किन टाइप के लिए है। ये बहुत अच्छी बात है कि इसको कोई भी स्किन टाइप वाला आदमी यूज़ कर सकता है। और तो ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें नो पैराबिन, नो सिलिकॉन, नो मिनरल ऑयल और ऑक्सीडाइज कलर इसमें बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ये जो प्रोडक्ट है ये बिल्कुल प्योर है। फ्रेंड्स इसमें रस भरी एक्सट्रैक्ट है, कैरेट सीड एक्सट्रैक्ट है, एवोकाडो ऑयल है और एलमंड ऑयल है। तो ये तीनों ही आपकी चारों जो है वो स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। देती हूँ कि इसको आपको यूज कैसे करना है। सबसे पहले जब आप इसको निकालते हैं इस बॉटल को, तो निकालने के बाद इसको आपको बहुत अच्छे से शेक करना है, मतलब कि बहुत ही अच्छे से शेक करना है, जिससे कि जो इसका वाटर है ना यूवी वाटर वो अच्छे से पूरे में मिक्स हो जाए। और कुछ नहीं करना है आपको, इसका कैप ओपन करना है और अपनी आईज क्लोज करनी है
और 5 से 6 पंप आपको अपने फेस पे कर लेना है। और आप देखिए, मैंने मेकअप किया हुआ है, मैंने उसके ऊपर भी ये प्रोडक्ट यूज़ किया है, तो है ना कितनी अच्छी बात। जब भी आपको रीअप्लाई करना हो, आपको अपने फेस को वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको ओपन करिए, शेक करिए और अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिए। इस प्रोडक्ट को आप अपने जितने भी एक्सपोज पार्ट होते हैं, जैसे कि हाथ हो गया, नेक हो गया, पैर हो गया, वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे इसकी नेट वॉल्यूम लिखा हुआ है, ये है 100 ml की बॉटल, और ये बहुत अच्छा सनस्क्रीन है। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं इसके लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से इसको ज़रूर चेकआउट करिएगा। और ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होता है, और जैसे सनस्क्रीन होती है उसको लगाने के बाद आपको ऑयली लगता होगा, बट ये बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं कराता। और अगर इसके प्राइस की बात करें तो ये देखिए 399 rupees का है, बट आप अमेज़ॉन या जिससे भी ऑनलाइन परचेज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा होगा वाटर ट्रांसपेरेंट सनस्क्रीन स्प्रे के बारे में। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चलिए अब अपने व्लॉग की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ अभी हमारा डिनर हो चुका है, और पीहू के डैडी यहाँ लेकर के आए थे रस मलाई, जो कि अमूल वाला जो डिब्बा होता है ना, वो वाला, तो ये डी मार्ट से लेकर के आए थे। और अभी पीहू का मन था रस मलाई खाने का, तो बस वो यहाँ पे ओपन करके पीहू को देने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग भी रस मलाई खा लेते हैं और फिर उसके बाद मिलती हूँ मैं आपको। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों का डिनर हो चुका है, और बस मैंने फेस अपना वॉश कर लिया है, और अब मैं जा रही हूँ अपना नाइट स्किन केयर रूटीन करने के लिए। तो मैंने सोचा चलो फेस वॉश करके आई हूँ, पहले आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। और मैं यहाँ खड़ी हूँ मिरर के आगे, ये तो चलिए फिर अब ये व्लॉग मैं यहीं फिनिश कर देती हूँ। और हाँ, रोटी अच्छी बनी थी, बट वैसी नहीं बनी थी जैसी कि मैंने खाई थी, आंटी जी ने जो मुझे खिलाई थी वैसी नहीं बनी थी, बट अच्छी बनी थी। तो आप लोग भी चाहिए तो ट्राई करके देखिएगा। आगे मैं सीखूंगी और आंटी से पूछूंगी कैसे बनाया था उन्होंने, और मैं उनसे पूछ करके खुद बनाऊँगी उनके साथ। उनसे सीख करके, मैंने फैन नहीं खोला, मुझे गर्मी लग रही है और बाल मेरे पूरे अभी उड़े उड़े से लग रहे होंगे आपको, क्योंकि जस्ट अभी मैं मुंह धुल करके आई हूँ। तो चलिए फिर इसी के साथ ये व्लॉग यहीं फिनिश कर देती हूँ, मिलती हूँ आपको कल। व्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।